नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। सऊदी अरब के साथ ड्रोन डील करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कतर पहुंचे, जहां कतर के अमीर ने उनका स्वागत किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी ने एक आधिकारिक समारोह के साथ एर्दोगान का वेलकम किया। एर्दोगान को कतर की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कतर के अमीर शेख तमीम तैयब एर्दोगान के करीबी दोस्त हैं। तैयब एर्दोगान अपनी दोस्त के लिए तोहफे में ब्लू कलर की टोग लेकर पहुंचे। टोग तुर्की में बनने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है। कतर के अमीर इस कार को देखकर बेहद खुश हुए। उसके बाद दोनों नेताओं ने कार में बैठकर महल के चारों तरफ चक्कर लगाए। एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अरब देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान तकरीबन 200 बिजनेसमैन भी उनके साथ मौजूद हैं। एर्दोगान इस समय भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह विदेशी निवेश लाकर तुर्की को गंभीर आर्थिक संकट से उभार सके। तुर्की की मीडिया के मुताबिक तैयब एर्दोगान के इस दौरे का मकसद $50 अरब का निवेश तुरंत तुर्की के अंदर लाना है। कतर पहुंचकर तुर्की और कतरी विदेश मंत्रियों ने कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। तुर्की और कतर के राजनयिक संबंधों को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान कहा गया है कि हमें 2023 में तुर्की और कतर की राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाने की खुशी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों में आर्थिक सहयोग में लगातार वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें, तुर्की और कतर के बीच बेहद करीबी और मजबूत रिश्ते हैं। खासकर 2017 में जब सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों ने कतर की नाकाबंदी कर वहां की सरकार की तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तब तुर्की ने वहां पर अपनी सेना भेजकर कतरी सरकार की मदद की थी। हाल ही के वर्षों में तुर्की और कतर ने सैन्य और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाया है। कतर के शेख तमीम दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने तैयब एर्दोगान को राष्ट्रपति चुनाव जीतने की सबसे पहले बधाई दी थी। अपने बधाई संदेश में उन्होंने तैयब एर्दोगान को अपना भाई कहकर संबोधित किया था। इतना ही नहीं, शेख तमीम भी पहले नेता थे जिन्होंने पिछले साल फरवरी में तुर्की में आए भूकंप के बाद तुर्की का दौरा किया था। उस वक्त तैयब एर्दोगान ने इस भूकंप को सदी की सबसे बड़ी आपदा बताया था। तैयब एर्दोगान कल सऊदी अरब में थे और आज कतर में हैं। अब यहां से वो सीधा यूएई पहुंचेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।